मैं जानती हूँ समय बहुत मुश्किल है, पूछना अलग हो जाता है, लेकिन कैसा महसूस कर रही हैं आप शौर्य चक्र लेने के बाद में? हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर। काश वो होते यहाँ पे तो और भी अच्छा लगता, हम और खुश हो सकते थे इस को लेके, लेकिन बहुत बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली जैसे आकृति ने बोला, अगर अनुज यहाँ होता तो इसका तो और भी मज़ा आता, बट वी वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिम हमको यू नो ये सब मिल रहा है, लाइक ये सामान मिल रहा है, everything. But it's tough. आज उसकी याद भी बहुत आ रही है। कैसा गुजरा है वो पल? क्योंकि हमारे मन में बहुत सी भावनाएं होती हैं, हम उनको समेट के रखते हैं, लेकिन जब हमें सम्मानित किया जाए तो एक अलग भावना आती है। तो अगर आप कुछ कहना चाहती उनसे तो क्या कहती? कि आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हिम, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस रिस्पेक्ट, दिस ऑनर, दिस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उनके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। सो आई एम थैंकफुल टू हिम एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे वहाँ, उनके हाथों दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक बहुत ही गौरव का पल आपके लिए है, पूरे देश के लिए है। कोई मैसेज उन लोगों को आप देना चाहेंगी जिनके बच्चे अभी हैं और जो करना चाहते हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक मैसेज यही है कि द रिस्पेक्ट जो हमारे सोल्जर्स हमारे देश को दिखाते हैं, और जो उनका हमारे देश की तरफ इतना, जिसको बोलते हैं ना, गर्व वो अपने देश पे लेते हैं, हम सबको बस यही याद रखना चाहिए कि अगर हम 1/10 ऑफ उनकी स्ट्रेंथ और स्पिरिट भी अपनी डेली लाइफ में मतलब कर सकते हैं, तो हमें बस यही है, मतलब फौजी वे ऑफ लाइफ से बस यही सीखना चाहिए कि एक ही देश है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और बस अच्छे से जीना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ फौजियों का यू नो उनकी, इट्स नॉट कि सिर्फ उन्हीं का फर्ज बनता है कि वो देश की रक्षा करें, एंड यू नो एज एन इंडियन सिटीजन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जो भी हम अपने तरफ से कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स यू नो टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी वे पॉसिबल, वो एज एन इंडियन सिटीजन ये हमारा फर्ज है कि हम कॉन्ट्रीब्यूट करें कैसे भी करके।